हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चों का वेट नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत ही पतला है, ये सब पेरेंट्स हमेशा सोचते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर चैनल पे आए हो तो हमारे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, जिससे क्या होगा कि हर नोटिफिकेशन का आपको पता चलेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। वेलकम टू मॉम जंक्शन। तो सबसे पहली बात, आपका बच्चा 6 मंथ से छोटा है और उनका वेट नहीं बढ़ रहा है तो क्या करें? तो सबसे पहली बात कि जो बच्चे 6 मंथ से छोटे हैं और उनका वेट नहीं बढ़ रहा है तो क्या करें? तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा सोते हैं। स्पेशली 0 to 3 मंथ्स के बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा सोते हैं। और मदर्स क्या होती है, बच्चे सोते हैं तो मदर्स फीड कराना भूल जाती है। लेकिन मदर्स को यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बच्चे को हर 2 घंटे या 1.5 घंटे पे उठाकर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। अगर आप बच्चे का टाइम फीड कराने का भूल जाते हो तो आप अपने फोन पे रिमाइंडर रख दीजिए और बच्चे को ब्रेस्ट फीड डेफिनेटली करवाए। दूसरा रीजन है, होता क्या है कि मदर्स को फीड कराने की बहुत जल्दी होती है, तो मदर्स क्या करती है, बच्चे को फीड कराने के टाइम पे 5-5 मिनट दोनों ब्रेस्ट पे फीड करा देती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप 5-5 मिनट बच्चे को फीड कराओगे तो बच्चे को न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा और वेट नहीं बढ़ेगा। होता क्या है कि जो 5 मिनट का जो मिल्क रहता है वो एकदम पतला रहता है, उससे सिर्फ बच्चे की प्यास ठीक होती है, उनका वेट गेन या फैट नहीं मिलता है। और वो पतले मिल्क को फॉर मिल्क बोलते हैं। और उसके बाद 6-7 मिनट के बाद जो मिल्क रहता है वो फैट वाला रहता है, उसको हिंद मिल्क बोलते हैं। अगर आप 5-5 मिनट दोनों ब्रेस्ट पे फीड करा दोगे तो होता क्या है कि बच्चे का सिर्फ प्यास ही ठीक होगा, उनको तो हिंद मिल्क यानी कि फैट तो मिलेगा नहीं, ऑब्वियसली उसका वेट गेन नहीं होगा। तो आप क्या करो कि बच्चे को 15 मिनट एक ब्रेस्ट पे फीड कराओ और उसके बाद बच्चे को 15 मिनट दूसरे ब्रेस्ट पे फीड कराना चाहिए। ऐसा करने से आई एम श्योर बच्चे का वेट गेन बढ़ेगा। अब बात करते हैं 6 महीने के ऊपर के बच्चों के बारे में। तो होता क्या है कि जो 6 महीने के ऊपर के बच्चे होते हैं उनके पेट में वॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो होता क्या है कि बच्चा हर 1-2 घंटे में खाना खाता है लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, वॉर्म इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए बच्चे जो भी खाना खा रहा है उनका वेट नहीं बढ़ रहा है। जनरली होता क्या है कि जो 1 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। 5-5 ml की बॉटल होती है, 2 बॉटल होती है, जिसको क्या करना है कि 15 दिन में हर 1 हफ्ते में बच्चे को देना है 5 ml की बॉटल, 2 बॉटल कंप्लीट करना रहता है 15 दिन में। तो आपको क्या करना है कि आपका बच्चा 1 साल के ऊपर का हो गया है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट कीजिए और ये मेडिसिन लीजिए। दूसरा रीजन है वेट कम होने का। तो होता क्या है कि जब भी बच्चा 6 मंथ से बड़ा हो जाता है तो हम पेरेंट्स क्या करते हैं, तो बच्चे को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ऐसे मील देते हैं, और हम ये 3 मील इतना हैवी कर देते हैं कि बच्चे को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, कम से कम उनको डाइजेस्ट होने में 4 घंटा हो जाता है, उसके बाद ही वो नेक्स्ट मील की डिमांड करता है। तो इसीलिए आपको हैवी मील नहीं देना है, आपको क्या करना है कि हर 1-2 घंटे में फ्रीक्वेंट मील दीजिए, हर 1-2 घंटे में खाना दीजिए और लाइट खाना दीजिए, बच्चे को डाइजेस्ट करने में इजी रहेगा और उसका वेट गेन भी होगा। अगर आप बच्चों का फूड चार्ट देखना चाहते हो तो वो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर दिया हुआ है, जिसका सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो जाकर आप देखो, आपको डेफिनेटली आइडिया मिलेगा। और आप दूसरे एज ग्रुप के बच्चों का फूड चार्ट देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वो वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे। नेक्स्ट रीजन है हेरिडिटी। तो अगर आपके फैमिली या रिलेटिव्स में किसी का वेट बहुत ही कम है, पुअर है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे को हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो सकता है, आपका बच्चे का वेट कम हो सकता है। एक मेन बात आप जरूर ध्यान में रखें कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि पतला बच्चा हेल्दी नहीं है, आपका बच्चा एक्टिव है, उसका हेल्थ, उसका वेट एज ग्रुप के हिसाब से बराबर हो रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका बच्चा एक्टिव रहना चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए, वही मेन बात है। नेक्स्ट रीजन है बच्चे की एक्टिविटी हाई होना, मीन्स आपके बच्चा 10 मंथ्स का हो गया है और उसकी एक्टिविटी क्रॉलिंग, वॉक, जंपिंग ये सब बहुत ज्यादा हो गया है। अगर आपका बच्चे की एक्टिविटी बहुत ही हाई हो जाती है तो बच्चे की कैलोरीज सबसे ज्यादा बर्न होती है, और आप अपने बच्चे की एक्टिविटी के हिसाब से कैलोरीज नहीं देते हो, इसीलिए बच्चे का वेट कम हो जाता है। तो आप
ज्यादा कैलोरी वाले फूड दीजिए, जैसे कि योगर्ट, दही, चीज, पनीर, बनाना, ये सब आप अपने बच्चे को डेली डाइट में दीजिए, जिससे कि बच्चे को कैलोरीज सही तरीके से मिले और बच्चे की एक्टिविटी भी हाई रहे और उसका वेट गेन भी अच्छा हो। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हो। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।